देवंकर करे उपासना आपनको महिमा न जाने से सिना आगो सनातनी महामाया माये संसार सृष्टि नीला होइब उपाय रूपे आमको करिल जन्म आपनको आदेश आज्ञा मु पाइन सोदज जे अंडज शुणि जरायुज उद्भिद जीव सृष्टि मु करिण हेज अहंकार रहिचि मु सर्वज्ञ बोली ये अपराध क्षमा कर जणाइबि आगमाता अष्ट प्रकार जोग मार्गे कष्ट परिश्रम जे समाधि जोगे छळरे तुमर नाम कल उच्चारण न जानी हुए बोली मुख्य कारण आपणकर पवित्र नाम छाड़ी दे तत्व संख्या विचार करी बसी थाए से अधर्म मानव संसार सागरे पतित नुहे कि मोहित चित्तरे संसार सार मुक्त प्रदान कारिणी तुम सिन्हा अटे गो मा तारा तारिणी हरिहर प्रकृति आदि नर गणी परम तत्व ज्ञान हेले हे आपणे निमिषे न छाड़ती तुमर चरित्र अंबिका शिव शक्ति ईश्वर नाम तो आपणकर सृष्टिदान सृष्टि सर्जीवा सर्जी पारे सोदज अंड जादि चारि प्रकार तथापि विनोदनी विनोद सकाश विधाता पदे मते करायण बास स्वइच्छारे सृष्टि पारंभ कालरे सर्जना कराइले खेलिबा इच्छारे सागर मध्ये मधुकैटव भयरु पालक श्रीहरि रखिच दयारु जगतर संहार कारक जे हर संहार काले तांकु करत संहार नोइले कि संसार सर जीवा काले भूजुगल मोर जन्म होइले अतेबे श्रीहरि पालक नुहंती समस्त संहारक हर ही नुहंती पालक संहारक से नुहंती जेबे तुम्हें से रक्षा संहृत तेबे अतेबे नागाधी राजांकर सुपुत्री तुम्हें सिन्हा सृष्टिर स्थिति लय करती केउठारे जन्म हेल गो भवानी के शुणी न के बा देखी न बुणी केउठारे जन्म होइले गो मात केई हेले तार नाई अवगत भगवती तुम्हे गो शक्ति एकमात्र तुम रूप जानिचंती देवदी समस्त आपणकर सहाय मु सृष्टि करई पालक होइचंती लक्ष्मी प्राण साई तुमर साहाज्यरे संहारक हर तुम बिना शक्ति नाई तो आमर ए संसार एपरी कई जन्मी नाई नई थी जन्म जन्म हेबा नाई आमर प्राय संशय जुत के नुहब आपणकर विचित्र नीला के जानब ए विचित्र असीम बेपार तुमर बिवाद स्थल रे मोर नुहब कि नर दृश्या दृश्य ए भवमय संसारे आपणकर अपेक्षा प्राचीन आधारे जणे मात्र परम पुरुष अच्छा विचारे तृतीय आउ के नहांती निष्क्रिय जे निर्गुण निरीह आवर निरुपाधि निरंश अटंती ईश्वर आपणकर विस्तृत नीला जे देखती विधिदर्शी पंडित यहीपरि कहती एकमात्र अद्वित्य ब्रह्मा अच्छे स्मृति वाक्य मु अनुभव रे जानी वेदवाक्य कदापि मिथ्या त नुहब अद्वित्य ब्रह्माटी के बा होइब आपण कि अटंती यही ब्रह्म मित्र
ଅଥବା କି ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ, ସଂଶୟରେ ମୋର ଚିତ୍ତ ହେଉଛି ଭୟାଳୁ, ସନ୍ଦେହ ଦୂର କର ମାତା ଗୋ ଦୟାଳୁ, ଦୈତ୍ୟ ବିଚାରି ମୋର ମନ ନିମଗ୍ନେ, ନିଜ ମୁଖେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜନ, ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଚରଣ ଯୁଗଳ, ଅସୀମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ପାଇଛୁ କେବଳ, ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ, କହିବା ହେଉ ତା ବିସ୍ତାର କରିଣ, ପରମା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣି ଆମମାନେ ଭବସିନ୍ଧୁ ତରିବା ଇଚ୍ଛା କରି ମନେ, ଏଇଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କର ମହତ ପୁରାଣ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦର ସ୍ୱୟଂ ଶମ୍ଭୁ ସମ୍ଭୁତ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ତବନ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପଞ୍ଚାନନ ଘରଣୀ ପଞ୍ଚଶ ବାହିନୀ ପଞ୍ଚାବନ ପଞ୍ଚାନବ ପୁରର ସମସ୍ତ କାରିଣୀ, ପଞ୍ଚସର ଜନକ ପାଦେ ରହୁ ମନ, ପଞ୍ଚମନେ ଜଣାଏ ଦେବୀଙ୍କ ଚରଣ, ପଞ୍ଚତ୍ଵ ହେଲା କାଳେ ବାଲାଜୀ ରଣର, ପ୍ରପଞ୍ଚ ଈଶ ମାଗେ ନିଜ ପୁର, ଦେବଙ୍କର କରେ ଉପାସନା।